दोस्तों, जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर को पूरी दुनिया जानती है, तो मैं आज हिटलर के एक रहस्यमयी स्वप्न के बारे में बताऊंगी, जिससे हिटलर की जान बच गई थी। ये घटना है प्रथम विश्व युद्ध के तृतीय वर्ष की, जब हिटलर जर्मन सेना में एक वरिष्ठ अधिकारी था। वो बावेरिया प्रदेश तथा फ्रांस की सीमा पर तैनात किया गया था। एक रात को उसे स्वप्न आया जिसमें एक विस्फोट के कारण उसकी छावनी तहस नहस हो जाती है और पिघला हुआ लोहा उसके चारों ओर फैल रहा है। बहता हुआ खून उसकी छाती को स्पर्श कर रहा है। जागने पर उसने देखा कि कहीं कुछ ऐसी घटना नहीं घटी थी, सब कुछ शांत था। फिर भी उसके अचेतन मन ने उसे सचेत कर दिया था, अतः वो अपनी छावनी छोड़ दुश्मन की छावनी की ओर भागने लगा। तभी उसके अंतर्मन से चेतावनी आई कि वहाँ जाने की बेवकूफी क्यों कर रहे हो। इसके बावजूद भी वो अपनी छावनी से काफी दूर निकल गया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि सपना सच हो चुका था। दुश्मन की गोलाबारी से छावनी और उसके आसपास के सभी सैनिक का सफाया हो चुका था। वो अकेला बच गया था, बाकी सब खत्म हो गया था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।